हाय गाइस, हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल वी टी पी जी जी में आप सभी का वेलकम। तो गाइस, आज मैंने किया है थोड़ा अपना होम मेकओवर, मतलब कोने को एक कोना मैंने मेकओवर किया है कुछ इस तरह से, और DIY है ये। और आपको पसंद आया है तो बहुत ही इसको लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। बोतल को हैंग किया मैंने, किस तरह से हैंग किया एंड मैंने झूला भी बनाया है, दोनों चीज़ों को देख के ही जाना है इधर से। तो गाइस, ये मैंने कबाड़ रखा, ये पाइप है ना, ये पानी का पाइप था टंकी वाला, लेकिन ये ना पड़ा है ऐसे ही, बहुत छोटा पाइप है तो इसका काम नहीं था। ये डोरी लेके आई हूँ, मतलब जो सुतली होती ही नहीं है उसको लेके आई हूँ। तो और एक मैं ले लूँगी मोबाइल का बॉक्स है, तो इन चीज़ों से बनाना है हमें होम डेकोवर सामान। जो भी अपना रूम था थोड़ा मेकओवर उसका चेंज किया है मैंने, जो सामान था उसका थोड़ा मैंने अलग अलग साइड कर दिया। तो ये दो दीवारें थी ना बहुत ज़्यादा खाली हो गई हैं, तो ये खाली हो गई है। और इधर हमारा टीवी भी अभी काफ़ी अच्छे से नहीं रखा हुआ है, इसको भी मुझे सही से रखना है। और तो इसके लिए मुझे कुछ बनाना है, चलिए बनाना शुरू करते हैं। और पाइप है, इस पाइप को कटिंग करना है पहले, मुझे कितना लेना है हम इसका नाप ले लेंगे। तो मुझे इसे इस तरह से थोड़ा इस तरह से सर्कल में मैं काटूंगी इसको, तो सर्कल में कम से कम इतना आ जाएगा, ये इतना आ जाएगा सर्कल में। सर्कल के लिए आपको लेना है इसको पूरा आपके हैंड के बराबर लेना है, अपना हैंड नाप लो, आपकी हैंड के बराबर आप ले सकते हैं। तो मेरा एक ये हैंड है, यहाँ से मैंने शुरुआत किया एंड यहाँ पे एंड किया, इतना आ जा रहा है। तो इसको अब काटते हैं। अगर कुछ भी सामान अगर काटने के लिए नहीं है ना, तो आप इधर आपको लेना होगा एक गर्म करके चाकू, उस चाकू की मदद से काट सकते हो, काफी अच्छा कर जाए। तो मैं इसमें यहाँ पर एक बीच में और कट लगा रही हूँ, यहाँ पर एक और कट लगा रही हूँ इसमें। तो कट गया है, कटने के बाद जो इसका दूसरा छोर है वो इसके मैं अंदर कर देती हूँ, इस तरह का है। आप देख सकते हो इसके अंदर ही चला गया। इसको थोड़ा और मजबूत करने के लिए जॉइंट पे लगा देते हैं ग्लू गन, जिससे अच्छे से मजबूती आ जाएगी इसमें। अब दोबारा हमने इसको जॉइंट कर दिया, हम देख सकते हैं जॉइंट हो गया। एंड अब ले लेनी हमको सुतली। तो जो हमने सुतली ली है वो धागा जो है हम पे डोरी, उसको मैंने जॉइंट वाली जगह से पहले लपेटना शुरू किया। इसी तरह से आप भी जॉइंट वाली जो जगह है वहीं से इसको लगाना शुरू करें। तो इसे गोल 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 करके आपको लगा लेनी है और ये बहुत ही आसानी से लग जाएगी, इस तरह से आप देख सकते हो। तो ये पूरी तरह से ये हो गई है एंड थोड़ा जगह रह गई है वो भी कंप्लीट होने वाली है। तो ये कंप्लीट होने के बाद हम यहाँ पे ग्लू गन लगा देंगे इसको और इस प्लेस में पेस्ट कर देंगे, इससे अच्छे से पेस्ट हो जाएगा तो दोबारा सुखी निकलेगी नहीं। तो ये कंप्लीट होने के बाद हमने इस पर ग्लू गन स्टील लगा दिया जिससे अच्छे से। तो ये हमारा सर्कल बनके तैयार हो गया। अब सर्कल में हमें कुछ और भी करना है, मतलब पाइप का सर्कल इतना अच्छे से बन गया, आपको कुछ ऐसी वैसी चीज भी नहीं है, मतलब थोड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट है ये, लेकिन सर्कल बहुत ही अच्छा है। तो मैंने यहाँ पे लिया है मोबाइल का बॉक्स, और इस मोबाइल के जो खाली डिब्बे होते हैं वो पड़े रहते हैं घर में, बहुत लोग संभाल के रखते हैं, इसी मैं रख दिया संभाल के रख लिया। अब मैंने इसमें भी सुतली इसी तरह से पूरे बॉक्स में लगा दूंगी, अंदर कोई मैं पेंट वगैरह इसमें नहीं करूंगी और नहीं सुतली वगैरह कुछ लगानी, नहीं इसमें कुछ मैं पेपर वगैरह लगाऊंगी, ऐसे ही पूरे में सुतली लगा देते हैं। तो लास्ट रह गया, लास्ट में सुतली और लगाने के बाद ये हमारी सुतली हुई कंप्लीट, इस तरह से बन गया है बॉक्स अच्छा खासा। अब चलिए जो लास्ट जिसका काम है उसे हुआ। तो जो हमने बॉक्स अभी बनाया था उस बॉक्स के ऊपर इस सर्कल को इस तरह से ग्लू गन से स्टिक कर देंगे। तो ग्लू गन से हम इसको इसमें पेस्ट कर देते हैं, जल्दी से पेस्ट हो जाता है, डस्ट में आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसे हम साइड साइड में से ग्लू गन लगाएंगे और उसे लगाने के बाद फिर बाद में रख देते हैं अपना सर्कल। तो इसी तरह से आप लगा लो। तो चलिए अभी लग गया है थोड़ा सा, अच्छे से इसे पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे हमारा हो गया है अच्छे से स्टिक सर्कल एंड। और मैं सर्कल बनाने का कोई स्पेशल सामान नहीं लाई थी, तो जो हमारे पास फ्लावर पॉट है ये काफ़ी गंदा एंड बेकार, इसके फ्लावर्स हो चुके हैं, तो इसकी जो पत्तियां हैं उनको मैं थोड़ा थोड़ा निकाल लेगी जो मेरे काम। अब मैं पत्तियों कर लेती हूँ छोटी छोटी कटिंग कुछ इस तरह से, आप देख सकते हो।
अब इसके बाद मैं कर लेती हूँ स्टिक। स्टिक करने के लिए सबसे मैंने पहले लिया है जो ग्लास थी, मुझे ग्लास से लिया, ग्लास को मैंने सबसे फ्रंट साइड में बीच में बिल्कुल लगा दिया। एंड अब पत्तियों को ऐसे ही पूरे में मैं लगाती जाऊँगी, तो एक ही पत्ती पूरे सर्कल में लगा देंगे और अच्छे से लग जाएंगी ये। तो ये पत्तियाँ अब हमारी लग गई हैं, और पत्तियाँ लगने के बाद हमने क्या किया है, झूला जो बनाया है पहले हमने चुटली को नाप लेंगे कि हमें झूला कितना चाहिए, और झूला उतना चाहिए के बाद वहाँ पे लगा देंगे ग्लू गन स्टिक। आप झूले को थोड़ा ना ऊँचा रखें, हिसाब से रखें, आपको जितना अच्छा लगे उतना रखें। तो हमने ग्लू गन स्टिक लगा दिया, और दूसरा इसी तरह से ले लेंगे, एक डोरी और ले ली, और उस डोरी को लेने के बाद इसी तरह बराबर बराबर में फिर से ग्लू गन स्टिक लगा देंगे, तो दोनों हमारी झूले की लड़ी बन गई। अब तो यहाँ पे जो बोरी होती है ये, उस बोरी को लिया मैंने, कट किया थोड़ा सा, एक कार्डबोर्ड लिया इसको कटिंग किया, तो इसको एक छोटा सा और कटिंग कर लेंगे। और इतना छोटा सा कटिंग करने के बाद हमने जो बोरी काटी थी ना, उस बोरी के नीचे पहले सबसे पहले ग्लू गन लगाएंगे, उसके बाद हम रख देंगे उस पर जो हमने कार्डबोर्ड काटा है उसको, एंड दोबारा तीसरे कार्डबोर्ड पर चिपका देंगे ताकि गुड्डी थोड़ी सी मोटी और मजबूत बने। और दो बार इसमें ग्लू गन लगाएंगे साइड में थोड़ा सा बीच में, और इतने से पेस्ट कर देंगे, एंड दूसरा लेंगे दूसरा उसी तरह से हम पेस्ट कर देंगे। और तीसरी तरफ हम जो उसकी इस साइड में थोड़ा सा ग्लू गन और लगाएंगे और पेस्ट कर देंगे। तो इसी तरह से हमें दोनों साइड इसकी पेस्ट कर देनी है, एंड गद्दी हमारी बन के तैयार हो गई। झूला भी गद्दी हमारी तैयार है, इस तरह थोड़ा सा जो खेल है हम उनको पूरा करेंगे और गद्दी को रखेंगे। तो देखिए अब यहाँ हमने गद्दी को रखा है, और इसको थोड़ा पेस्ट कर देंगे फिर, जैसे कि हिंदी में गद्दी बनी हुई हमारी। तो ये मैंने लिया स्पॉन्ज, और स्पॉन्ज को अब हम DIY थोड़ा सा करने, तो स्पॉन्ज को मैंने रख दिया इस बॉक्स के अंदर। और बॉक्स के अंदर रखने के बाद कुछ इस तरह से पीछे साइड में लगाएंगे हम, सामने की साइड नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमने फ्लावर्स लिए हैं वो थोड़े से बड़े साइज में लिए हैं, तो वो लग जाएंगे, पूरा जो बॉक्स ढक जाएगा। तो आप भी कुछ इसी तरह से ले लें जिससे पूरा ढक जाए। तो हमने यहाँ पर ग्लू लगा दिया, एंड इसके लगाने के बाद थोड़ा स्पॉन्ज भी लगा दिया। अब इन दोनों चीज़ों को ज्वाइंट कर देंगे इस बॉक्स में, अच्छे से ज्वाइंट हो जाएंगे। पेस्ट करने के बाद अब हम यहाँ पे लगाएंगे फ्लावर्स जो मैंने लिए हैं वो, और इन फ्लावर्स के जो पीछे पत्ती होगी वहाँ पर हम लगाएंगे ग्लू गन, और उसे लगाने के बाद हम इसे पेस्ट कर देंगे। तो हम इसके पीछे की साइड में गम लगाएंगे, उसे लगाने के बाद इसको जो स्पॉन्ज हमने लगाया है स्पॉन्ज की साइड में इसको इस तरह से पेस्ट कर देंगे। और देखिए आप इसकी जो लिप्स आगे आई है उसे देखिए पूरा ही एकदम ढक गया है कितने अच्छे से। एंड इसको हम बीच में लगाएंगे, थोड़ा कलरफुल हो जाएगा और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने लगेगा। तो इस तरह से एक और है वो सेम कलर का मैंने लिया। आप अपने मन के चाहे कैसे भी लगा सकते हो, छोटे छोटे फूल को लगा सकते हो, बड़े लगा सकते हो, बड़े लगा सकते हो। मैंने यहाँ पर बड़ा फूल चूज किया है, तो इस तरह से मैं इसको भी इस तरह से लगा देंगे। तो पीछे साइड में आप गम जब भी लगाना ग्लू गन वगैरह, तो उसको पीछे ही साइड में लगाना। तो इस तरह से ये झूला देखिए हमारा थोड़ा नीचे लग रहा है, तो इसको थोड़ा सा ऊंचा कर देंगे और इसमें इसको थोड़ा सा पेस्ट कर देंगे। तो हमारा झूला भी थोड़ा ऊंचा हो गया, अच्छा लग रहा है। और इसमें जो है ना थोड़ा सा हम लिप्स और लगा देंगे, जो हमारी पत्तियाँ हैं उनको और लगा देंगे, और भी अच्छा लगेगा। और थोड़ी लगा देंगे हम झूला में, फिर झूला भी और अच्छा लगने लगेगा। और क्योंकि इसे मैंने क्या कहते हैं, कोई स्पेशल मैंने सामान नहीं लिया है कुछ भी, इसलिए जो भी घर में था, कबाड़ था, जो भी पड़ा हुआ उसी को लिया है। और ये फूल भी बेकार हो गए थे, इनको ले लिया, इनको लगा दिया। आपके घर में जो भी बेकार सामान हो, आपको लग रहा है हम काम नहीं आएगा, तो आप उन्हें फेंके नहीं, उन्हें रखें, और थोड़े दिन के बाद उनका यूज़ आपको खुद आ जाएगा। आपको कभी ज़रूरत पड़ेगी तो आपको वो चीज़ ज़रूर काम आएगी। एंड एक जो लिप्स बची उसको मैं देख रही कहाँ पे अच्छी लगी, बट ये यहाँ पे नहीं अच्छी लगी, तो इसको मैं ऊपर साइड में लगाऊंगी, क्योंकि ये ऊपर की साइड में यहाँ पे अच्छी लग रही है, तो इसको यहाँ पे मैं लगा दूंगी। आप ऐसे ही चेकआउट करके देखते रहें, जब भी कोई चीज़ बनाए तो उसको चेक करें कैसे क्या अच्छी लगेगी। तो इसको मैंने यहाँ लगा दिया, तो आप देख सकते हमारा बन गया है सर्कल बहुत ही अच्छा सा। आप बीच में चाहें झूला पे चिड़िया बिठा सकते। मैंने यहाँ पे तीन बोतल ली, और तीन बोतल को मैं एक हैंगर करूँगी, तो इन सभी को हैंग करना है मेरे को कैसे। पहले मैंने प्लांट रख रखा था, मैं प्लांट निकालने के बाद आपको गांठ कैसी लगानी है इसमें, इस तरह से कुछ लगानी है, इसको आप देख लो। तो इस तरह से गांठ लगा के बोतल में फांस लेना है, तो मैंने तीनों बोतल को फांस लिया है इसी तरह से, और बहुत ही अच्छे से फंस गई हैं। और इनको आप हैंग कर सकते हो, एंड अच्छे से हैंग होने में थोड़ी सी गांठ आ गई थी इसमें, उसे मैंने निकाल दिया है, और ऊपर से गांठ नहीं लगाया, बस उसी को लिया था, उसी को छोड़ दिया इसी। और उसके बाद मैंने बोतल में डाल दिया प्लांट, जो प्लांट है हमारा ये मिली प्लांट का,
तो इसको मैं पहले ऐसे ही रखती थी, लेकिन आज मैंने सोचा इसको हैंग कर देती हूँ मैं अच्छे से। और यहाँ पे स्टूल रखा मैंने एक, और स्टूल के ऊपर डाल दिया है एक मेज पोस जो कपड़े का है। अब मैं यहाँ पे रख देती हूँ अपना लैंप, नाइट लैंप है ये। और इसके बाद जो मैंने आज झूला बनाया है वो झूले कर रख देती हूँ। और सर्कल में झूला ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, मैंने घर में सबको दिखाया, सबने ही बहुत ज़्यादा सबको पसंद आया। और ये पास से थोड़ा देखो इस तरह का ये झूला हुआ है, कुछ बहुत ही शानदार। एंड अब मैं यहाँ पे बोतल को हैंग कर देती हूँ। मैंने सोचा कैमरे में कैच हो गया होगा, लेकिन नहीं हुआ, सो सॉरी गाइस। लेकिन बोतल उस तरह से आप कर सकते हो एंड उसके बाद हैंग कर सकते हो। देखो मैंने एक कील यहाँ पे ठोक कर उसमें हैंग कर दिया था इस तरह से, देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इस तरह की प्यारी प्यारी वीडियो देखने के लिए अगर वीडियो को सपोर्ट करोगे तो मैं अगली वीडियो इसी इसी के ऊपर अच्छी सी लाऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।